अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रवीण फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने जमान में रखे, आमीन। सुम्मा मिनट से दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आप जो शोर देख रहे होंगे, बच्चे बस गलियों में खेल रहे हैं। तो जी बाहर चीज़ें मैं समेट रही थी, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग भी बना लूँ और आप लोगों को शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये छोटा सा जो हमारा सिटिंग रूम है, सिटिंग रूम क्या, बाहर से ऐसे हमने हम लोगों ने सोफे लगाए हुए हैं और साथ में ही किचन, और किचन की भी चीज़ें मैंने अभी समेटनी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। चूल्हा हमारा पेंट इसका उतरा हुआ, इसका पेंट करते हैं तो ख़राब हो जाता है, जल जाता है जैसे चूल्हा जलता है। और जी मैं भी कहीं गई हुई थी, इसी वजह से मैंने अभी व्लॉग नहीं शुरू किया था। तो अभी शाम हो गई तो मैं व्लॉगिंग करी है। देखिए बेबी का बैग, मैंने चीज़ें सारी उसके अंदर डाली हुई थी। और आज मेरे साथ ये हुआ कि आज मैंने उसका कोई गर्म चीज़ नहीं थी उठाई, और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया। और मामा को भी दिखाती हूँ। और जी ये मामा बैठी हुई है बेबी को लेके। हाँ जी, और जी बेबी सोया हुआ है, तो मैं आज आपको बेबी भी सोच रही हूँ दिखा दूँ। जी ये देखे, ये मेरा प्यारा सा बेटा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग कहीं गए हुए थे, तो बस अभी हम लोग आए, तो मैंने कहा साथ में व्लॉग भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जी परी नज़र नहीं आ रही, और ये देखे परी भी। और इसको मैंने बताया था कि इसको फीवर हुआ है, तो इसको मेडिसिन अभी मैंने आके दी है, क्योंकि मैं मेडिसिन साथ नहीं लेके गई थी, तो मैंने इसको मेडिसिन आके दी है। और ये मामा है, मामा ने बेबी उठाया है, और वो देखे वो रोने की कोशिश कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है। मेरे मामा को शेयर कर दो, मामा को शेयर कर दो जी, बहुत मामा को शेयर कर दो। मामा को चैनल को लाख इसकी रिक्वेस्ट सुन ले, आप हमें फुल सपोर्ट करें जैसे आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और मामा से भी बातचीत करते हैं हम लोग, वो क्या कहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। बस मैं आज सारा दिन बोर हो गई, क्योंकि ये भी नहीं घर पे थे, तो नुमान आपको पता है वो मुल्तान है, और उसकी मिसेज अपने घर गई हुई है अपनी मम्मा के घर, और ये लोग भी सुबह से चले गए थे। और मैं पहले अकेली थी, फिर फरहान आया तो ये भी अपनी भाभी के रूम में ही था, तो मैं तो अकेली। वो बस वही बात आ गई कि तियाँ दी मार रानी थे बुढ़ापे पर दिख पानी। फिर मैं उठी, फिर मैंने रोटी बनाई फरहान के लिए, अपने लिए गए। सालन बना हुआ पड़ा था, करेले पके हुए थे, मैंने कहा चल खा लेंगे हम लोग वही। तो इसको तो मैं सब्जी लेने भेजूंगी, तो पहले ये लड़ाई करके आएगा, तो इससे बेहतर है कि जो पड़ा हुआ है वही मैं हम लोग खा लेंगे। तो इसने दाल चावल रात को बनाए थे वो खा लिए, मैंने थोड़ी सी रोटी खा ली, करेले का सारा रोटी मैंने वैसे बना के रख ली, मैंने कहा अगर रात को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। नमाज पढ़ी मैंने, पहले मगरिब पढ़ी, फिर ईशा पढ़ी, तो अपनी तस्बीहें की, तो फिर मुझे तो ये था कि शायद ये रात को नहीं आएंगे, तो मैंने कहा जो है फरहान को कह रही थी कि नीचे से लॉक लगाओ, तो हम लोग बस अपना टाइम से सो जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि अब ये आ गए, मैंने कहा चल, वो परी ने एकदम बोल लिया, तो मैंने कहा अच्छा ये लोग आ गए। तो कहती हैं हाँ जी परी की तबीयत खराब है, तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है शहीना से। एक एक इवेंट मैं कहती थी किधर चली गई वो, तो प्यार परी से इतना प्यार करती थी, चलो बड़ों को छोड़े बच्चों से जो प्यार हो जाता, व्लॉगिंग करते हैं लोग ना तो बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं जो, तो मैंने कहा वो हर वीडियो पे कमेंट करती थी। मैं परी के मामा से कहती थी पता नहीं किधर गायब होगी, खैरियत हो, क्योंकि जो अपने सब्सक्राइबर होते हैं, अपने व्यूवर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं या आपको नहीं नजर आ रही कमेंट करते हैं, जिस तरह मेरी जो हम लोग एलवी कर रहे थे, एलवी हम नहीं हो रही, तो सारे ही जो हैं कह रहे हैं आप क्यों नहीं एलवी कर रहे, एलवी करें, ये एक हमारी फैमिली बनी हुई है यूट्यूब फैमिली, तो हमारी गपशप लग जाती है, बात हो जाती है, तो उदास हो जाता बंदा एक दूसरे से। मैंने ना ऐसे जब कमेंट देखा तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी सिस्टर के लिए दुआ की है, तो बिल्कुल ऐसा है जी, जितने हम हमारे अपने अजीज छोटे बड़े जो इस दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह पाक उनको जो आम की आखिरत संवारे, आलम बरज़ख में
मीठी ठंडी नींद सो रहे हों और उनकी कब्रों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बागे जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बनाई। मेरे भी फैमिली में जितने लोग चले गए बड़े खास रिश्ते खोए हैं। तो और मैं दिखाती हूँ जी परी के जो है वो आती गई है, इसने साथ में ही गंद डाल दी है। बल्कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे बताइए गंद है कि इसने अच्छी सेटिंग की है। इसने किचन सेट किया है और जी आते सार इसने अपना किचन सेट किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी वहाँ पे किचन को, कह रही थी मैंने चीज़ें साथ लेके जानी पर मैंने नहीं लेके जाने दी। और दिखाओ जी अपना ड्रेस दिखाओ, इसने वाइट कलर का था तो इसने सारा ही ख़राब कर लिया, गंदा कर लिया इसने। और जी मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मैं अब बाहर जब भी जाऊँगी अपनी व्लॉगिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।